नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफर सुहाना में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो मैंने आज ही मंगाया है अपने लिए न्यू माइक जो कि है बोया का। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी ब्लॉगिंग में पिछली ब्लॉगिंग में आपने मेरा देखा होगा जिसमें वीडियो में बहुत सारी नॉइस और आपको आवाजें बाहर की सुनाई दे रही होंगी क्योंकि मैंने उसमें कोई भी माइक इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने अपना मोबाइल माइक या कहे तो अपना ईयरफोन वाला माइक इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से आपको वीडियो में बहुत सारी बाहर की नॉइस आपको सुनाई दे रही होगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज ही फ्लिपकार्ट से अपने लिए ऑर्डर किया है नया बोया का माइक जो कि आज ही डिलीवर्ड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं उसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं उसमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है और वो आपके लिए कितना परफेक्ट है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पता चले कि मैं आपके लिए सही जानकारी ला रहा हूं कि नहीं। तो दोस्तों मैंने ये अभी अभी फ्लिपकार्ट से माइक ऑर्डर किया था जो कि आज ही डिलीवर्ड हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी कीमतों पर मिला है। तो दोस्तों चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और दिखाता हूं इसमें क्या क्या एसेसरीज मिली है और कैसी इसकी चीज़ें हैं और कितना अच्छा ये माइक परफेक्ट है आपकी वीडियो के ब्लॉग के लिए या फिर आपकी वीडियो के रिकॉर्डिंग के लिए। दोस्तों अभी भी आपको बाहर की नॉइज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं अभी अभी इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। इसके बाद जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें इस माइक को यूज़ करूंगा। फिलहाल तो मैं अभी ऐसे ही कैमरे की सॉरी मोबाइल की माइक की इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों चलिए मैं इस माइक की अनबॉक्सिंग करता हूं और दिखाता हूं आपको इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों जैसा कि आपने बॉक्स में देखा ये बहुत ही अच्छी सी पैकिंग दी हुई है फ्लिपकार्ट ने जिससे कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो। दोस्तों कवर के बॉक्स में दिख रहा होगा आपको एक माइक बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो कि स्टैंड के साथ स्टैंड कर सकते हैं अपने वीडियो के ब्लॉग बनाते समय। ये हमें कंप्यूटर यूज या टैबलेट यूज या मोबाइल यूज या किसी भी DSLR के यूज के लिए परफेक्ट रहता है। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक बैग दिया हुआ है जिसके अंदर इसकी एसेसरीज दी गई है जिसकी केबल है। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये केबल दी गई है इसको हम ब्लॉग बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केबल दी गई है जिसे हम अपने मोबाइल को पास से यूज कर सकते हैं और एक ये केबल दी गई है, दोनों मोटी पिन की केबल दी गई है। दोस्तों ये स्टैंड दिया गया है दोस्तों जिसे हम अपने मोबाइल के स्टैंड में लगा सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय। ये हम मोबाइल के ऊपर ऐसे फंसा सकते हैं इस चीज के साथ। आपके पास अगर स्टैंड है पकड़ने के लिए तो इस स्टैंड के ऊपर आप ऐसे इसको घुमा के लगा सकते हैं। दोस्तों बताएंगे दोस्तों ये रहा माइक हमारा जो कि एक फब्बेदार गच्छे की बोया का माइक है। दोस्तों ये बोया का माइक बहुत ही शानदार है। दोस्तों ये निकल भी आता है, ये है जो कि बाहर की नॉइज को कवर करता है। दोस्तों और ये है फाइनली हमारा ये माइक जिसमें यहाँ पे हम पिन डालेंगे और हम आपको बताएंगे। इस बॉक्स के साथ हमें और कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। यूनिवर्सल कैंडिडेट माइक्रोफोन है दोस्तों जो कि फ्लिपकार्ट से हमें 899 की प्राइस में मिला है जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी मंगा सकते हैं। और इसमें दोस्तों इस माइक में जैसे कि आप देख रहे हैं 3.5 mm TRS एंड TRRS कनेक्टर दिया गया है। और दोस्तों यह नेट वेट इसका 86 ग्राम मात्र 86 ग्राम का है जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने अभी मंगवाया है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आप वीडियो बनाने के लिए कौन सी चीज़ें क्या किस तरह के ब्लॉग बनाना आप पसंद करते हैं या वीडियो बनाना पसंद करते हैं उसके लिए कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।